आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। जब आम जनता को होगी परेशानी तो सड़कों पर बहेगा पानी। मामला आजमगढ़ जिले के बिलरियागंज नगर पंचायत के नए चौक पर स्थित ग्राम पंचायत भगतपुर के बघेला क्षेत्र का है। ज्ञातव्य हो कि नए चौक के पास इलाहाबाद बैंक के सामने एक पेट्रोल पंप है, जिनके मालिक के ऊपर आरोप है कि वो अपना पानी सड़क के ऊपर बहा रहे हैं। इस संबंध में जब न्यूज 9 भारत की टीम ने पेट्रोल पंप के मालिक सुनील कुमार से पूछा तो सुनील कुमार ने बताया कि पहली बात तो यहां पर जल निकासी की सबसे बड़ी समस्या है, सड़क किनारे नाली नहीं है, अगर कहीं है भी तो जाम पड़ी है। बरसात का सारा पानी हमारी टंकी में आ जाता है, जिससे हमारी टंकी को खतरा है और भयंकर बीमारी फैलने की आशंका बनी रहती है। इस वजह से हम बारिश के पानी को अपने टुल्लू पंप लगाकर सड़क के ऊपर बहाते हैं। अगर रोड के किनारे नाली रहती तो शायद ये पानी अपने आप बहकर चला जाता और टुल्लू पंप चलाने के लिए हमें डीजल पेट्रोल विद्युत नहीं खर्च करने पड़ते, इससे तो हमारा ही नुकसान हो रहा है। यह क्षेत्र अगर नगर पंचायत में आ रहा है तो कृपया नगर पंचायत नाली की व्यवस्था करे, या ग्राम पंचायत में आ रहा है तो वो नाली की व्यवस्था करे, या जिनको हमारे पानी बहाने से कष्ट है वह खुद नाली बनवा दें ताकि पानी अपने आप बहकर बाहर निकल जाए। न्यूज 9 भारत के लिए शिखा रावत के साथ रोशन लाल की खास रिपोर्ट। इस समय हम मौजूद हैं आजमगढ़ जिला के बिलरियागंज के नए चौक पर सुनील ऑटो फ्यूल के मालिक के सुनील जी के पास। हम जानना चाहेंगे सुनील जी से कि सुनील जी, आपके ऊपर आरोप है कि आप टुल्लू पंप लगाकर पानी जो है अपने घर का पानी सड़कों पे बहा रहे हैं, इस संबंध में आपका क्या कहना है? ये बिल्कुल गलत न्यूज है। मैं अपने घर का पानी सड़क पे नहीं बहा रहा हूँ, ये बारिश का पानी जो है पूरे बाजार का पानी आता है। बिलरियागंज में पानी निकासी का कोई साधन कोई रास्ता नहीं है, ना ही नाली है, ना ही कोई उचित व्यवस्था है, तो पूरे बाजार का पानी मेरे पंप पे आके जमा हो जाता है। तो इस पानी को निकालने के लिए मैं टुल्लू पंप का इस्तेमाल करता हूँ, न कि अपना पर्सनल पानी निकालने के लिए। न्यूज 9 भारत के लिए कैमरामैन शिखा रावत के साथ बिलरियागंज से रोशन लाल। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।